सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आज 5 अगस्त हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला तरीन दिन है, जब यहाँ की पार्लियामेंट में चोरों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वो सब कुछ छीन लिया गया जो उन्हें इसी पार्लियामेंट ने दिया था। कई दिनों से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को ये कह के बढ़ाया गया कि अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होने वाला है। इतना बड़ा मुल्क और एक छोटी सी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से डर गया और कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया ताकि कोई भी इस नाजायज फैसले के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाक एक बाइज्जत मुआहिदा था जिसको आज खुद ही मरकजी सरकार ने इसराइल की तरह एक नाजायज कब्जे में बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का जो फैसला किया था वो शायद सही नहीं था, क्योंकि जिन शर्तों पे हमारे मुल्क के साथ मुआहदा हुआ था वो शर्तें आज हिंदुस्तान ने खुद ही तोड़ दी। इसलिए हम कश्मीरियों को अपनी इज्जत और बका के लिए जदोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं।